रेलवे न्यूज। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आदेश के बाद कुशीनगर जनपद में जिलाधिकारी द्वारा कनेक्टर सभागार में एक बैठक बुलाया गया था, जिसमें सभी विधानसभाओं के विधायकों को भी शामिल होना था। बैठक में भाजपा से खड्डा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी व डीएम के बीच कुशीनगर में हो रही मुसहर की मौत के सवालों को लेकर बहस हो गयी। बहस के दौरान हटा विधायक पवन केड़िया भी बैठक में मौजूद थे। खड्डा विधायक बहस के दौरान ये भी सवाल उठाए कि बैठक में इतने अधिकारियों की क्या जरूरत थी। इस पर डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों से जुड़े मुद्दे हैं, इसीलिए बैठक में सभी का रहना जरूरी है। इस पर विधायक ने कहा कि सब अपनी मर्जी से हो रहा है। विधायक ने पुनः कहा कि कुशीनगर के दुदही क्षेत्र में मुसहरों की हो रही मौत पर प्रशासन क्या कर रहा है। इस पर डीएम ने जवाब देते हुए कहे कि प्रशासन को जो करना है वो कर रहा है और ये सवाल सदन में उठाए जाने चाहिए। ये सदन नहीं है, मीटिंग हॉल है। यहाँ जिले के विकास की कार्य योजना बनाई जाती है। इसी बात का नाराजगी व्यक्त करते हुए खड्डा विधायक बैठक से बाहर निकल गए। उनके पीछे हटा विधायक भी निकल गए। दोनों विधायकों ने डीएम की शिकायत डीएम सीएम से करने की बात कही है। ऐसे कुशीनगर से गुड्डू निषाद की एक खास रिपोर्ट। ऐसा नहीं है, वो कुछ आपसी उन लोगों का, ये उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ सीरियस लोगों को ही बुलाया जाए, तो हमारे सांसद इस समय नहीं है, गए हैं दिल्ली, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था जो खड्डा क्षेत्र का है, उन्हीं के क्षेत्र के हैं, तो उनसे थोड़ा उनका मनमुटाव रहता है, तो इसीलिए वो नाराज हो रहे थे कि सीरियस लोगों को ही मीटिंग में बुलाया जाए। नहीं, ये जो है वो बता रहे थे कि हमसे डीएम साहब ने कहा ये सब मुद्दा मुसहरों का उठाना हो तो आजाद विधानसभा में उठाइए। हम नहीं, ऐसा नहीं है, मुसहरों का तो वहाँ बताया भी गया है, जवाब दिया गया है, जो मुसहर मरे हैं वो बीमारी से मरे हैं और उसमें सभी अधिकारी लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब उनका कहना था कि मेरे साथ जिलाधिकारी ने इस तरह से बात किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सभी विधानसभा के विधायक और सांसद जी के साथ शासन के मंशानुरूप आज मीटिंग बुलाई गई थी। अभी हम लोग बैठे ही थे, इसके पहले उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी समस्या बताइए, तो मैंने कहा डीएम महोदय, जो पिछली समस्याएं प्रभारी मंत्री जी के साथ जो तय की गई हैं, उन समस्याओं के निराकरण को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, और उसी निराकरण को सिस्टम की वजह से इन सिस्टमेटिक ढंग से आपका निराकरण है, इसी की वजह यह है कि हमारा जिला अति संवेदनशील होते जा रहा है और पांच पांच छह छह मुसहरों की मौत एक साथ हो रही है। इसी विषय पर जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि मुसहर का मुद्दा उठाना है तो आप जाके विधानसभा में उठाइए, यहाँ इस पर कोई बात तय करनी, आप अपने विधानसभा की समस्या उठाइए। हमें सीख दिया, लेसन लर्न दिया, मुझे अच्छा लगा। आपको जिलाधिकारी ने कहा कि जो मुद्दा उठाना हो विधानसभा में उठाइए, तो किस तरह से आप चले आए, क्यों निकाल दिया आपको बाहर, मीटिंग अभी चल रही है? मीटिंग के आप बताइए कि अगर हम अब सिस्टम की बात कर रहे हैं, मुसहर के मौतों की बात कर रहे हैं, जिले के अंदर अगर मुसहर की मौतें हो रही हैं, पारदर्शी ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो और पिछले मीटिंग्स में प्रभारी मंत्री जो आदेश दिए गए हैं उसके आदेश की प्रक्रिया में कितना पालन हुआ, कितना पालन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने जो आदेश दिया था उस आदेश की प्रक्रिया में अगर हमें बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के नगरीय क्षेत्रों में आपकी प्रगति कितनी हुई कितनी नहीं हुई, तो अगर मुख्यमंत्री जी जहां जहां पर उन्होंने प्रश्न लगाया था, मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां पर क्वेश्चन अंडरलाइन किया था, उसको अगर आगे ले जाने की प्रक्रिया को हम ले चल रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। इस पर उनको इस तरह के व्याख्यान देना कि ये विधानसभा नहीं है, विधानसभा में जाके सब सवाल उठाइएगा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक व्यवहार था। इस व्यवहार के, इस गलत आचरण की वजह से मुझे लगा कि मीटिंग में हमारा बैठना उचित नहीं है। अब इसकी बात इसी संज्ञान और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे ले जाए। अभी मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के अंदर एक विधायक जी को डीएम ने कहा है कि यह मुद्दा मुसहरों का विधानसभा में उठाइएगा, क्या है इसकी, क्या मामला सही है? उन्होंने मुसहर के मौत के विषय में बात किया है तो जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ पर जिले की समस्या के विषय में बात होगी, अगर ये मुद्दा उठाना है तो आप विधानसभा में उठाइए। एक बैठक चल रही थी और जिले की समस्या है, मुसहरों की मौत बड़े पैमाने पर हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल उठाना वाजिब था? वाजिब था, लेकिन उसमें जैसे एक हमारे अपने विचार से था, मैंने अभी विधायक से बात भी इस विषय पर किया है कि जिस जिलाधिकारी के रहते हुए घटनाएं घट रही हैं, तो इससे ऊपर के अधिकारियों से इस विषय की शिकायत किया कि कहां से इनकी मॉनिटरिंग में कहीं चूक है जो ये घटनाएं घट रही इस तरह से। अगर
हाँ इतनी मौतें हो रही है मुखियों की, निश्चित तरह जवाबदेह जिलाधिकारी होनी चाहिए, होना चाहिए इस पर उसका तो सही है। अधीनस्थ जो है उनका क्या नाम है, कहीं ना कहीं दोष है, लेकिन जिलाधिकारी ही जवाबदेह बनेगा उस चीज के लिए। मान ले कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी के सामने सवाल उठा रहा है, अधिकारी ये कह रहा है कि विधानसभा में ये बात अच्छी नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूँ।